नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दुकानों में। यहाँ पर आज रक्षाबंधन के अवसर पर जो पेड़े और मिठाइयों की दुकान है वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों की किस तरह की भीड़ होती है, आगे दुकानदार से हम बातचीत करते हैं कि कैसे भीड़ होती है और आज के खास अवसर पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए, आज कैसा दुकान में आपके आज कैसी भीड़ वगैरह है, वो सब उनके बारे में थोड़ा बताइए। ग्राहक आए थे, बहुत अच्छे थे, कस्टमर आ रहे थे, पेड़ा बर्फी वगैरह खरीद रहे हैं, गुलाब जामुन वगैरह है, काजू कतली है, केसर है, सब ले रहे हैं। कस्टमर अच्छे है, भीड़ भी है, चल रहे है, ठीक है। बाकी तो ये गर्दी कब से, मतलब कब से लोगों का? सुबह से हाँ, सुबह से चालू ही है, कल से लगभग ऐसा चालू ही। हाँ, कल से लगभग चालू है। चालू है, अच्छा। तो पूरे साल भर इसी तरह की गर्दी रहती है? नहीं, साल भर नहीं, त्यौहार पर रहती है। रक्षाबंधन हुआ, जैसे गणपति हुआ, दिवाली हुआ। अच्छा, त्यौहारों पर ज़्यादा रहती है। अच्छा, तो आपकी मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा कौन से त्यौहार पर बिकती हैं? ज़्यादा से बंगाली स्वीट हुआ, केसर कतरी हुआ, अपना मलाई बर्फी, मिल्क केक वगैरह ज़्यादा सेल होते हैं। अच्छा, तो लेकिन कौन से त्यौहार पर ज़्यादा मिठाइयाँ बिकती है? त्यौहार कौन सा है? त्यौहार रक्षाबंधन हुआ, दीपावली, ये गणपति, दशहरा, इन पर ज़्यादा बिकती है। अच्छा, अब बताइए कि कस्टमर कौन कौन से पेड़े ज़्यादा लेके जाते हैं, कौन कौन सी मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। बताइए, केसर पेड़ा है, ये लेते कस्टमर ज़्यादा। जी, ये मतलब ये केसर पेड़ा है, ये लेते कस्टमर थोड़ा ज़्यादा। ये बाटी पेड़ा है, काजू कतली है, ये लेते हैं कस्टमर ज़्यादा वगैरह। अच्छा, लड्डू है। ओके, ये तो बाकी नीचे के पेड़े वो वगैरह, वो भी रनिंग आइटम है, सब रनिंग आइटम है, लेते हैं सब कस्टमर लेते हैं। चॉकलेट ओके। तो ये आज रक्षाबंधन के लिए कोई स्पेशल, कोई खास है क्या इसमें से मिठाइयाँ? केसर कतरी है, काजू कतरी है, केसर पेड़ा है, सब स्पेशल है। तो सुना आपने, आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दुकानदारों से हमने बातचीत की, मिठाई वालों से बातचीत की कि किस तरह की रक्षाबंधन के अवसर पर वहाँ पे भीड़ होती है। मैं मनीषा जोशी, डीआरवी न्यूज़ मुंबई।